पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने असम में जबरदस्त काम किया, एजुकेशन में, रोजगार में 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलवाया और आमदनी को बढ़ाया। 4 गुना असम में आमदनी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाई, कनेक्टिविटी बढ़ाई, सड़कें बनाई, रेड स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड हमें मिला, अस्पताल बनाए और असम में काफी प्रगति हुई। यहां हमने आपको 52 में सिक्स शेड्यूल के माध्यम से आपको अधिकार दिलवाया, आपके हाथों में आपको शक्ति दी। शक्ति तो आस्ते आस्ते कांग्रेस पार्टी लगी रहती है, काम करती रहती है। मोदी जी आते हैं, वायदे करते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे और उस चुनाव में असम की जनता ने मोदी जी पे भरोसा किया था, आपने उनको वोट दिए थे। मैं उनके वायदों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वायदा किया था कि काला धन को वापस लाएंगे, कहा था कि हिंदुस्तान से काला धन चोरी किया गया है और बाहर देश से लोग उस काले धन को वापस लाएंगे और 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में वो डालेंगे। कुछ दिन पहले वो यहां आए, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि काले धन वाले घबरा गए। बजट के दिन अरुण जेटली जी एक नया कानून लाते हैं। कानून में लिखा है कि हिंदुस्तान का कोई भी चोर, कोई भी गुंडा अपने काले धन को सफेद में बदल सकता है। सिर्फ सरकार के पास उसको जाना है और कहना है, भैया ये मेरे पास इतना काला धन है, थोड़ा सा टैक्स देना है और काला धन सफेद धन में बदल जाएगा। उसके बारे में मोदी जी ने आपको यहां नहीं कहा, मोदी जी ने आपको यह भी नहीं कहा कि पार्लियामेंट हाउस में उनके मंत्री जी विजय माल्या से मिले और विजय माल्या आसानी से 6 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से बाहर भाग गया।